नमस्कार दोस्तों, बहुत वेलकम है आपका अपने गार्डनिंग चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हमारी अडेनियम सीडलिंग का रिजल्ट, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों पहले ही सीड्स हैं जो इनको ग्रो किया था, तो उसका रिजल्ट आपके सामने दिखाने जा रहे हैं। दोस्तों, ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारे अडेनियम के सीड्स हैं जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं, और ग्रीन ग्रीन इनके लीव्स भी निकलने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अगर बात करें इन सीड्स की, तो ये दोस्तों मैंने ऑनलाइन जो सीड्स हैं 100 सीड्स परचेज़ किए थे। सारा मेथड आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूं, और कौन कौन सी बातों का ख्याल आपको रखना है अगर आप भी अडेनियम के सीड्स ग्रो करना चाहते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, ये सीड्स जब मेरे को रिसीव हुए थे, तो मैंने सबसे पहले इनको 4 से 5 घंटे के लिए पानी में डुबो के रखा था, जो कि मैंने थोड़ा सा एंटी फंगल पाउडर भी उसमें ऐड कर दिया था। उसके बाद दोस्तों, मैंने 4-5 दिन के लिए इन सीड्स को टिश्यू पेपर में रैप करने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में मैंने इन सीड्स को दोस्तों रख दिया था। तो जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों, ये सीड्स हैं जब स्प्राउटिंग हो गई थी इनमें थोड़ी थोड़ी सी, तो मैंने उसके बाद दोस्तों इन सीड्स को जो है इस पॉट में, जो ये पॉट्स में आप लगा देख रहे हैं, अब सीडलिंग ट्रे ही बोलता हूँ मैं इनको भी, क्योंकि मैं अडेनियम के सीड्स हमेशा इन्हीं सीड्स सीडलिंग ट्रेज में जो है पॉट मैंने बना कर रखे हैं, इनमें ही ग्रो करता हूँ, क्योंकि इनकी गहराई थोड़ी ज़्यादा है और जो सीडलिंग है वो मैं ज़्यादा देर तक इन जो पॉट्स में ही रख लेता हूँ। जब मेरे प्लांट्स बड़े हो जाते हैं, तो फिर मैं इनको दूसरे कप वगैरह या छोटे जो मेरे पॉट्स होते हैं, इनकी एज के अकॉर्डिंग जो सूटेबल होते हैं, उनमें मैं ये प्लांट्स को शिफ्ट करता हूँ। दोस्तों, मैंने इस सीडलिंग के लिए कौन सी सॉइल ली है? दोस्तों, मैंने इस सीडलिंग के लिए अपना वर्मी कंपोस्ट और सैंड और बोन मील का मिश्रण लिया है, जिसमें मैंने 70% के लगभग सैंड लिया है, क्योंकि सैंड जो है उससे जो है मेरा मीडिया है, इसमें एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो बाहर ड्रेन हो जाता है। अगर हम बिल्कुल ही गार्डन सॉइल लेते हैं, तो गार्डन सॉइल में क्या होता है कि उसमें जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो बाहर नहीं निकलता, और हमारी सीडलिंग जो है वो मरने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, अडेनियम की सॉइल तो वैसे हमेशा ही वेल ड्रेन होती है, लेकिन सीडलिंग की जो सॉइल के लिए थोड़ा सा केयर ये रखनी पड़ती है कि सीडलिंग को बढ़ने के लिए जो है वो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो एसेंशियल होते हैं वो भी चाहिए पौधे की तरह ही, लेकिन सीडलिंग को थोड़ा सा मिजाज होता है वो समझने की ज़रूरत होती है, ना तो इसको ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट्स वगैरह चाहिए और ना ही बिल्कुल कम। तो इसलिए सीडलिंग की अच्छी ग्रोथ बने रहे, एक बैलेंस सा जो इसमें मैंने काउडंग और साथ में बोन मील भी ऐड की है। इसके अलावा दोस्तों, जब आप सीडलिंग को ऐसे शिफ्ट करते हैं, तो आपने जब पहला पानी देना है उसमें थोड़ा सा एंटी फंगल ऐड कर लें, क्योंकि छोटी सीडलिंग होने की वजह से फंगस का चांसेस बना रहता है, जिससे हमारे प्लांट्स ख़राब होने का चांसेस हो जाता है। तो दोस्तों, देखिए आप मेरी सीडलिंग जो मैंने 100 के करीब जो सीड्स ग्रो किए थे, लगभग इसमें जो है हमारे सीड्स ग्रो हो गए हैं, कुछ एक को छोड़ करके बाकी सारे ही सीड अच्छी तरह से सरवाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर अडेनियम को सीड्स के द्वारा ग्रो करना चाहते हैं, तो इस मेथड से ग्रो कीजिए। वैसे तो कुछ लोग जो डायरेक्ट भी सीड्स हैं उनको सॉइल में ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अगर आप इस सेक्शन में नए हैं, पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो पहले जो है टिश्यू पेपर में ग्रो कर लें। उससे क्या हो जाता है कि सीड्स अच्छे से स्प्राउट हो जाते हैं, और जब थोड़ा सा वो बड़े हो जाए तो उनको इस तरह से आप शिफ्ट कर लें, तो आपको बहुत आसानी रहेगी। दोस्तों, अडेनियम्स के जो शौकीन हैं वो जानते हैं कि अडेनियम्स को, वैसे तो हम बड़े पौधे भी प्लांट्स भी हैं जो हैं वो अपना
मार्केट में से ख़रीद लेते हैं। लेकिन अडेनियम्स को जब सीड से ग्रो करते हैं आप, इसका ये बेनिफिट होता है कि एक तो आपके पास अच्छा रूट स्टॉक हो जाता है, आप अपनी मर्जी से इनके ऊपर जो मनपसंद कलर हैं आप ग्राफ्ट कर सकते हैं, और दूसरी तरफ एक सीड से ग्रो किया हुआ पौधा जब बड़ा होकर आपको फूल देता है तो आपको मन को एक अजीब खुशी सी आती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद।